हेलो गाइस, आई एम सोमोजीत। आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल ऑल अबाउट टेक। तो भाई लोग, कल रियलमी 5 इंडिया में लॉन्च चुका है और साथ साथ रियलमी 5 के कुछ दिन पहले रियलमी 3i भी इंडिया में लॉन्च हो चुका था। रियलमी 5 अपने आप बहुत ज़्यादा यूनिक फीचर्स के साथ आता है और साथ साथ रियलमी 3i भी अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर के साथ आता है। तो शायद आप सोच रहे हैं कि 10,000 प्राइस पॉइंट के अंदर कौन सा फ़ोन को लिया जाए और कौन सा फ़ोन हमें बेस्ट वैल्यू फॉर मनी दे सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। तो आप इस वीडियो को देखते रहो, आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी फोन को परचेस करने के लिए जाता है तो सबसे पहले वो एक चीज देखता है, वो है प्राइस। तो प्राइस को हम लोग सबसे पहला पॉइंट के रूप में रखते हैं। अगर आप देखते हैं रियलमी 5 का, तो रियलमी 5 में आपको तीनों वेरिएंट्स मिल जाते हैं। एक ही भाई 3GB रैम 32GB स्टोरेज का प्राइस है 999 रुपीज़, एक है 4GB रैम 64GB स्टोरेज का प्राइस है 1099 रुपीज़, और एक है 4GB रैम 128GB स्टोरेज, वो बेसिकली स्टोरेज लवर्स के लिए है, वो है 1199 रुपीज़। अगर आप बात करते हैं रियलमी 3i की, तो रियलमी 3i में आपको दोनों वेरिएंट्स मिल जाते हैं। एक है 3GB रैम 32GB स्टोरेज का प्राइस है 799 रुपीज़, और एक है 4GB रैम 64GB स्टोरेज का प्राइस है 999 रुपीज़। तो यानी यहाँ पे अगर आप देखते हैं, अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए कम पैसे में, तो यहाँ पे रियलमी 3i पे आप जा सकते हैं, क्योंकि रियलमी 3i में आपको 4GB रैम 64GB स्टोरेज वेरियंट 999 रुपीज़ के अंदर मिल जाते हैं। आप बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर एक फोन को परचेस करने जाता है तो नेक्स्ट क्या देखता है? नेक्स्ट देखता है उसका बैटरी बैकअप कैसा है। तो अगर आप लोग बैटरी बैकअप की बात करते हैं, तो बैटरी बैकअप में अगर रियलमी 5 की बात करें, तो रियलमी 5 में यहाँ पे 5000 mAh का बैटरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर हम लोग रियलमी 3i की बात करें, तो रियलमी 3i में भी 4230 mAh यानी 4230 mAh का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 5000 और 4230 mAh का बैटरी के बीच में कंपैरिजन हो ही रही है, तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इन दोनों ही बैटरी बैकअप काफी अच्छा है। 4230 mAh बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा है, 5000 mAh बैटरी बैकअप तो और भी अच्छा है। तो यहाँ पे आप कोई भी फोन को परचेस कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट के हिसाब से कोई भी लोग अगर फोन को परचेस करने जाता है, सबसे पहले देखते हैं उसका स्क्रीन साइज कैसा है। तो बेसिकली रियलमी 5 में आपको 6.5 इंच का एक HD+ डिस्प्ले मिल जाता है ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ। तो यहाँ पे जो HD+ है, इस HD+ का रेजोल्यूशन कुछ अलग है। यहाँ पे 720x1600 pixels का रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में पंचीनेस थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप बात करते हैं रियलमी 3i की, रियलमी 3i में भी आपको 6.22 inches का एक HD+ डिस्प्ले मिल जाता है, पर यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है, ये रेजोल्यूशन बेसिकली है 520x यहाँ पे आपका जो कि 1520 है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत घटा है, पर यहाँ पे दोनों का जो स्क्रीन साइज है वो बेसिकली एक ही टाइप का है। पर अगर आप बड़ा स्क्रीन चाहते हैं तो इसके लिए रियलमी 5 है, क्योंकि रियलमी 5 में 6.5 inches का स्क्रीन मिलता है। अगर आप छोटा स्क्रीन चाहते हैं तो आपके लिए रियलमी 3 काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं रियलमी का 5 एंड रियलमी 3i का परफॉर्मेंस के हिसाब से, क्योंकि अब जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो है इसका प्रोसेसर। आप बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में, मैं सबसे पहला बात ये कहना चाहता हूँ कि रियलमी 5 रियलमी 3i से वे बिगर है। हम सर बात करते हैं रियलमी 5 की, क्योंकि रियलमी 5 में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा पावर एफिशिएंट चिपसेट है, ये 11 नैनोमीटर बेस्ड है, और यहाँ पे बाकी सारी चिपसेट के मदद से यहाँ पे आपको 20% ज़्यादा पावर एफिशिएंट मिल जाते हैं। अगर आप गेम खेलते हैं या भारी एप्लीकेशन को चलाते हैं तो आपका पावर एफिशिएंट भी होगा, और परफॉर्मेंस के मतलब अंदर भी आपको कुछ भी कमी देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम लोग बात करते हैं रियलमी 3i के बारे में, तो रियलमी 3i में आपको यहाँ पे देखने को मिल आएगा मीडियाटेक हीलियो P60 प्रोसेसर। यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देखने को नहीं मिलता है, P60 प्रोसेसर दिखता है जो अच्छा प्रोसेसर है, पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 के सामने इसका कोई कंपैरिजन नहीं होता है। तो ये भी 2.0 GHz क्लॉक स्पीड में बेस्ड है, और ये 12 नैनोमीटर बेस्ड ऑक्टा कोर चिपसेट है। पर अगर यहाँ पे क्लियर विनर माना जाए, तो यहाँ पे भाई रियलमी 5 का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 एक क्लियर विनर है। अगर आप परफॉर्मेंस के लिए किसी फोन को परचेस करते हैं तो जरूर जाइए रियलमी 5 में, क्योंकि रियलमी 5 में बहुत ज्यादा पावरफुल चिपसेट है। अभी हम लोग बात करते हैं जो नेक्स्ट पार्ट है। बेसिकली नेक्स्ट पार्ट में बहुत सारे लोग बोलते हैं सब कुछ तो हो गया, बैटरी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, प्रोसेसर भी अच्छा है, क्या यहाँ पे गेमिंग अच्छा होगा, क्या यहाँ पे GPU वर्सन अच्छा खासा है? तो भाई लोग, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अभी GPU के बारे में। यहाँ पे आपको रियलमी 5 में एंड्रॉइड 610 GPU मिल जाता है, 600 सीरीज का GPU मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा चीज़ रियलमी ने दिया है। और साथ ही साथ अगर आप देखते हैं रियलमी 3i में आपको यहाँ पे माली G72 MP3 मिल जाता है। माली G72 MP3
खराब नहीं बोलूंगा मैं, काफी डिसेंट है, पर अगर कंपेयर करें एंड्रेनो 610 से तो बेसिकली एंड्रेनो 610 काफी अच्छा है। अब कोई भी व्यक्ति अगर एक फोन को परचेस करने के लिए जाता है तो वो देखता है उसका कैमरा डिपार्टमेंट कैसा है, और कैमरा डिपार्टमेंट में ये दोनों फोन का बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रियलमी 5 हो जाता है सबसे बड़ा क्लियर विनर। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ रियलमी 5 में आपको कैमरा डिपार्टमेंट में क्या कुछ मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं रियलमी 5 में। रियलमी 5 में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। क्वाड कैमरा सेटअप के अंदर जो प्राइमरी कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का f/1.8 अपर्चर के साथ मिलता है। साथ ही साथ जो सेकेंडरी कैमरा है जो पोर्ट्रेट लेंस है वो है 2 मेगापिक्सल का f/2.4 अपर्चर के साथ मिलता है यहाँ पे। और दोनों लेंस को ऐड किया गया है जो कि रियलमी 3i में नहीं है, वो है एक है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो कि 8 मेगापिक्सल सेंसर के साथ आता है, जहाँ पे अपर्चर है f/2.25 और ये 119 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू आपको दे देगा। और साथ ही साथ यहाँ पे और एक लेंस ऐड किया गया है जो कि 2 मेगापिक्सल का f/2.4 अपर्चर के साथ सुपर मैक्रो लेंस। ये जो सुपर मैक्रो लेंस है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल, अगर आप एक क्लोज शॉट्स में डिटेल्स चाहते हैं तो यहाँ पे आपको भरपूर डिटेल्स दे देगा। तो बेसिकली ये था टोटल कैमरा डिपार्टमेंट रियर कैमरा के हिसाब से। आप फ्रंट कैमरा में आते हैं, रियलमी 5 में आपको 13 मेगापिक्सल का f/2.0 अपर्चर का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। अभी बात करते हैं रियलमी 3i के कैमरा डिपार्टमेंट के हिसाब से। रियलमी 3i में आपको यहाँ पे डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है जो 13 मेगापिक्सल का f/1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कैमरा नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप सेल्फी की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 13 मेगापिक्सल का f/2.0 कैमरा। तो यहाँ सेल्फी के मामले में दोनों ही फोन बिल्कुल सेम है, पर अगर रियर कैमरा की बात करें तो कैमरा डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सबसे पहला क्लियर विनर है रियलमी 5। इसके बाद बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि सिस्टम और सॉफ्टवेयर को देख के मोबाइल को परचेस करते हैं, तो हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। क्या यहाँ पे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आता है? रियलमी 5 एंड रियलमी 3i में भी आपको कलरओएस 6 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड पाई देखने को मिल जाता है जो कि एकदम से लेटेस्ट है। पर एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कलरओएस 6 यहाँ पे वैसा नहीं है जैसा आप देखते आ रहे हैं। कलरओएस 6 यहाँ पे कस्टमाइज किया गया है, कलरओएस 6 यहाँ पे रियलमी की तरफ से कस्टमाइज किया गया है ताकि यूजर को और भी अच्छा कुछ नया फीचर्स और भी अच्छा कुछ थीम्स एक्सपीरियंस मिल सके। तो बेसिकली ये था टोटल एक कंपैरिजन Realme 5 एंड Realme 3i के बीच। अब बात करते हैं लास्ट एंड सबसे कंक्लूजन पार्ट की। अगर आप मेरी बात सुनते हैं, मैं आपको बोलता हूं कि अगर आप 10,000 रुपीज़ में एक फ़ोन को परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लियर विनर नज़र आते हैं 10,000 रुपीज़ के अंदर ज़्यादा स्टोरेज वाला, वो है रियलमी 3i। पर अगर आप मेरी बात सुनते हैं तो मैं बात करता हूँ कि अगर आप 1,000 रुपये ज़्यादा खर्च करना पसंद करेंगे तो आपको यहाँ पे रियलमी 5 मिल जाएगी, क्योंकि रियलमी 5 में आपको देखने को मिल जाता है 4 कैमरा और उसी के साथ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 एंड रेनो 610 GPU जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया पैकेज है। अगर आप थोड़ा बहुत 1,000 रुपये ज़्यादा खर्च करते हैं तो आपको यहाँ पे 4GB 64GB वर्जन मिल जाएगी। तो अगर आप मेरी पसंद की बात करें तो रियलमी 5 मेरा सबसे बड़ा पसंद है। आपका खुद का पसंद के हिसाब से आप फोन को परचेस कर सकते हैं। मैंने सारे पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। वीडियो इतना, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर से जरूर एक बार लाइक कर देना और साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर देना, ऐसा ही कुछ वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं। तो वीडियो इतना ही, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।